हेलो एवरीवन, आज हमें पढ़ना है एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। हम लास्ट टू लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आज हमारा है एनाफेज एंड टेलोफेज। तो पहले देखते हैं एनाफेज। अगेन एना एक ग्रीक वर्ड है और फेजेस phases एक दूसरा ग्रीक वर्ड है। इसका एना मीन्स होता है अप और phases का मतलब होता है स्टेज। ठीक है, तो क्या होता है इस फेज में, अब जो हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें कि मैंने मेटोटिक एनाफेज जो है जो और उसमें उसको दिखा रखा है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम एस्टर्स हैं, स्पिंडल्स हैं। तो क्या होता है कि अब क्रोमोसोम मेटाफेज में कहाँ गए थे, प्लेट में आ गए थे। अब वो धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं हर एक क्रोमोसोम का, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट कंप्लीटली, यानी जो इस तरीके का स्ट्रक्चर था अब वो इस तरीके का हो गया। तो एनाफेज में क्या होता है, जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं हर एक क्रोमोसोम का, वो एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, जिससे कि अब इनको हम दोनों के दोनों क्या हैं, डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, अभी डॉटर क्रोमोसोम कहलाएंगे। अब क्या होता है कि जो नए डॉटर क्रोमोसोम बने हैं या जो नए क्रोमोसोम बने हैं, ये पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तो दीज डॉटर क्रोमोसोम दीज स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स पोल्स अलोंग विद देयर क्रोमोसोम फाइबर्स। मैंने बताया था ना, हर एक जो दो टाइप के फाइबर्स थे, एक थे कंटिन्यूस फाइबर, एक थे डिसकंटिन्यूस फाइबर। डिसकंटिन्यूस फाइबर को हम क्रोमोसोम फाइबर भी बोलते हैं या ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स भी बोलते हैं। है ना, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो अब क्या था ट्रैक्टाइल फाइबर, चलिए एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ कि वैसे तो पहले क्या था कि ये जो क्रोमोसोम थे, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड के फॉर्म में जो थे, तो एक इसमें से एक सिस्टर क्रोमेटिड को ये वाला फाइबर अटैच किया था, एक सिस्टर क्रोमेटिड को ये वाला फाइबर अटैच किया था। ये फाइबर इस यहाँ से एरिया से, इस एस्टर से सिर्फ यहाँ तक ही जा रहा था और एक सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़े था, और ये वाला जो फाइबर था वो इस एस्टर से स्टार्ट हो रहा था और दूसरे वाला जो इसका सिस्टर क्रोमेटिड है इसको पकड़े हुए था। इन्हीं को डिसकंटिन्यूस फाइबर कहते हैं। अब ये अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ कि ये अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने बना रखे हैं कि ये अलग अलग हो गए और अपना अपना जो इनका डिसकंटिन्यूस फाइबर है या ट्रैक्टाइल फाइब्रिल है, उसके साथ साथ ये पोल्स की तरफ मूव करने लगे हैं। अब जब ये मूवमेंट होता है तो बहुत स्पेसिफिक मूवमेंट होता है। क्या, अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा समझें तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है या कैनेटोकोर है, जहाँ पर कि ये स्पिंडल फाइबर ने अपने आप को अटैच किया हुआ है या क्रोमेटिन फाइबर ने, क्रोमोसोम फाइबर ने अपने आप को अटैच किया हुआ है, इसको आप देख रहे हो, तो ये कहाँ है, ये है पोल्स की तरफ। ठीक है, यानी जब ये खिंचेंगे तो सबसे पहले जो सेंट्रोमियर है, जो कैनेटोकोर रीजन है, वो मूव करेगा, यानी वो लीड करेगा इस मूवमेंट को, और जो आर्म्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, सब में देखिए, जब ये खींच रहा है तो काइनेटोकोर वाला रीजन या सेंट्रोमियर वाला रीजन लीड कर रहा है, यानी पहले आएगा, और जो आर्म्स हैं दे विल ट्रेल बिहाइंड, पीछे आएंगे। अच्छा, तो जब इस टाइप का मूवमेंट होता है तो जो एनाफेजिक क्रोमोसोम है, यानी जो इस फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं, वो अपना एक
टिपिकल अपीयरेंस वो शो करते हैं, चार टाइप के वो शेप शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सेंट्रोमियर एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस सो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल. आई एम जस्ट राइटिंग द डिफरेंट यू कैन से अपीयरेंसेस और शेप ऑफ क्रोमोजोम विच अकर इन एनाफेज स्टेज. दीज आर वी एल जे एंड आई एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी वेयर द सेंट्रोमियर इज. मेटासेंट्रिक सेंट्रोमी मेटासेंट्रिक वेन द सेंट्रोमियर इज मेटासेंट्रिक, एल सब मेटासेंट्रिक, जे एक्रोसेंट्रिक एंड आई टीलोसेंट्रिक. ओके, अब ये जो एनाफेज मूवमेंट हो रहा है क्रोमोजोम का, ठीक है, यानी एनाफेज में जो ये क्रोमोजोम्स का मूवमेंट हो रहा है अपने अपने पोल्स की साइड को, ये क्यों होता है? इट अकर बिकॉज ऑफ थ्री रीज़न. पहला तो जो क्रोमोजोम फाइबर्स हैं या जो ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोजोम फाइबर्स. ओके, देन द सेकेंड थिंग इज देयर इज फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटर जोनल फाइबर्स. तो जो इंटर जोनल फाइबर्स हैं वो उनका फॉर्मेशन और एक्सपेंशन, इंटर जोनल जो इनके बीच में होंगे, ठीक है. और लास्ट है पोल वर्ड डिसोल्यूशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे उनका पोल की तरफ को, पोल के जो साइड, जो पोलवर्ड साइड है वहाँ पर इनका डिसोल्यूशन होता है. तो जो क्रोमोसोम फाइबर के जो क्रोमोसोम फाइबर के माइक्रोट्यूब्यूल पोल की साइड है ना, उनका डिसोल्यूशन होता है. इसी के वजह से देयर इज एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम. यू कैन सी देयर इज पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द एनाफेज, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एनाफेजिक मूवमेंट क्योंकि एनाफेज में हो रहा है, ठीक है. तो एनाफेज के एंड में क्या होता है, ये मैंने बना रखी है एनाफेज की एंड स्टेज. इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि हर एक पोल पर दो एक जैसे क्रोमोसोम के ग्रुप पहुंच चुके हैं. तो दो एक जैसे सिमिलर ग्रुप क्रोमोसोम के पहुंच गए हैं एट दी पोल, ठीक है. ये कहां पर हो, जब एनाफेज ख़त्म होने वाली होती है तभी प्रोसेस कंप्लीट हो गई होती है. अब क्या है कि मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम फाइबर है इनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. दूसरा क्या हो रहा है कि पोल की तरफ से इनका जो माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं उनका डिसोल्यूशन हो रहा है ना, धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं. तो जब एनाफेज ख़त्म होने वाली होती है, यानी एट द एंड ऑफ एनाफेज, आप देखते हो कि ये जो ट्रैक्टाइल फाइबर्स थे, तो जो ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स थे यानी जो डिसकंटिन्यूस फाइबर्स थे या क्रोमोसोम फाइबर्स थे, ये डिसअपियर हो जाते हैं. और क्या होता है, जो स्पिंडल एपरेटस है वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली वो भी ख़त्म होने लगता है, ठीक है, डिजेनरेट होने लगता है. और जैसे ही एनाफेज ख़त्म होती है हम देखते हैं कि जो स्पिंडल है ये डिजेनरेट हो जाता है और एक इसकी जगह एक मिड बॉडी आ जाती है. ये मिड बॉडी क्या है, इसको हम साइटोकाइनेसिस में पढ़ेंगे. अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ एनाफेज क्या क्या हो रहा है. दो सिमिलर ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट एट ईच पोल. सेकेंड,
दीज ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स डिसअपियर एंड द स्पिंडल एपरेटस ऑल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर एंड एज सून एज द एनाफेज एंड दिस स्पिंडल एपरेटस डीजनरेट कम्प्लीटली एंड इज रिप्लेस्ड बाई अ मिड बॉडी। अब क्या है कि हर एक पोल पे क्रोमोसोम के नंबर क्या हैं, वही क्रोमोसोम का नंबर है, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर वही है जो यहाँ पर है, और इन दोनों में क्रोमोसोम का नंबर वही है जो कि पेरेंट न्यूक्लियस में था। तो ये कंप्लीट है आपकी एनाफेज। अब देखते हैं टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या होता है, हम देखना है हमें टेलोफेज। तो टेलोफेज अगेन ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टेलोस एंड फेजेस। ओके, टेलोस मीन्स होता है एंड और फेजेस तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, फेजेस मतलब होता है स्टेज। अब क्या होता है ये फेज कहाँ से स्टार्ट होती है, ये फेज स्टार्ट होती है जब जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने पोल्स में पहुंच चुके हैं, जैसे कि ये है और ये है, ठीक है। और इसमें जो इवेंट्स होते हैं जो हमने प्रोफेज में पढ़े थे उसके ऑलमोस्ट रिवर्स होते हैं। क्या क्या होगा फिर अब इसमें कि जो हमने देखा था क्रोमोसोम जो थे वो कॉइलिंग हो रही थी उनका, वो स्पायरल फॉर्म में आ रहे थे, स्पायरलाइजेशन हो रहा था। तो यहाँ पे इस फेज में एकदम अपोजिट होगा और इन क्रोमोसोम्स का डी स्पायरलाइजेशन होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जब स्पायरलाइजेशन हो रहा था या उनकी कॉइलिंग हो रही थी तो वो शॉर्ट और थिक हो रहे थे, यानी जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो शॉर्ट और थिक हो रहा था क्रोमोसोम बनने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि जो क्रोमोसोम है उसका डिस्पायरलाइजेशन होगा तो वो कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, थिन हो जाएगा, ग्रैनुलर एंड फाइन लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड लाइक उनकी अपियरेंस हो जाएगी। यानी अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमेटिन बनने की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो थ्रेड्स हैं, ये जो थ्रेड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और अगेन क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर। जबकि हमने प्रोफेज में देखा था कि क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी, और यहाँ क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम से क्रोमेटिन फाइबर बनने की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एक क्रोमेटिन नेटवर्क, सही है। अब क्या होगा कि हमने वहाँ देखा था कि जो न्यूक्लियोलाई था या जो न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर हुआ था, और यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलाई होगा वो बनेगा, न्यूक्लियोलाई फॉर्म होगा, कहाँ पर होगा, NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो कि कहाँ होता है, न्यूक्लियोलर या सैटेलाइट क्रोमोसोम में। ये चीज़ आपको अगर समझनी है कि ये रीजन क्या है, ये न्यूक्लियोलर या सैटेलाइट जो क्रोमोसोम क्या है, तो आपको जो सेल का स्ट्रक्चर है वो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई विल बी फॉर्म्ड एट द न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन ऑफ न्यूक्लियोलर और क्रोमोसोम और विच इज ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होगा कि जो जहाँ पर ये क्रोमेटिन नेटवर्क बना, यानी जो क्रोमेटिन फाइबर्स बने, जो क्रोमेटिन नेटवर्क बना, उस एरिया में क्या बनना है तो सही ऑलरेडी है ना, पर फैला हुआ है। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो यहाँ आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा,
और एक चीज़ दूसरी क्या होगी कि जो न्यूक्लियर एनवलप हमारा ख़त्म हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, अब वो भी बनेगा, न्यूक्लियर एनवलप भी बनेगा, न्यूक्लियर एनवलप दोबारा से रीअपियर होगा अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम, यानी जो यहाँ पर क्रोमोजोम प्रेजेंट है और जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनके अराउंड जो है न्यूक्लियर एनवलप बनना शुरू होगा। अराउंड ईच सेट और ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर एनवलप कैसे बनेगा, ये दो तरीके से बन सकता है, या तो जो पुराने पीस हैं न्यूक्लियर एनवलप के, ठीक है, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हुआ था तो जो पुराने टुकड़े रह गए हैं न्यूक्लियर एनवलप के उनसे बनेगा, और किससे बन सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम हमको दिखा कि इससे बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अर्ली टीलोफेज है, ये लेट टीलोफेज है, न्यूक्लियर एनवलप बन गया, ये ये पतले पतले धागों के फॉर्म में क्रोमोजोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलाई बन चुका है, और क्या है कि अब हर एक जो डॉटर सेल बनेगा फ्यूचर में, डॉटर सेल अभी बना नहीं है, उसकी प्रोसेस चल रही है, उसका अपना अपना जो न्यूक्लियस है यानी डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं, जब ये पूरा टूट जाएगा तो ये एक डॉटर सेल बनेगा, ये दूसरा डॉटर सेल बनेगा, लेकिन इससे पहले ही इनके अपने अपने न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो ये थी टीलोफेज, अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।